माई नेम इज़ योगिता शर्मा एंड वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। आज के इस वीडियो में हम प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट 2005 के कुछ MCQs, जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू प्रोवाइड इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वेमेन गारंटीड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जो संविधान है हमारा भारत का, उसके अंतर्गत जो महिलाओं को अधिकार प्राप्त हैं उनका संरक्षण प्रोवाइड कराना, या टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वॉयलेंस, जो घरेलू हिंसा है उसके अगेंस्ट संरक्षण प्रोवाइड कराना, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है टू प्रोवाइड इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन गारंटीड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट 2005 वॉज पास्ड। तो ये जो एक्ट है ये कब पास हुआ? तो ये जो एक्ट है वो 13 सितंबर 2005 को पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट केम इन टू फोर्स। तो ये कब प्रभाव में आया? ये प्रभाव में आया 26 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ अग्रीव्ड पर्सन गिवन अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट है, जो DV एक्ट है, उसमें अग्रीव पर्सन की डेफिनेशन हमें कहाँ दी गई है? ए सेक्शन 2A में, बी सेक्शन 2B में, सी सेक्शन 2C में, या डी सेक्शन 2D में। तो इसका आंसर है सेक्शन 2A में दी गई है हमें अग्रीव पर्सन की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉयलेंस अग्रीव पर्सन मीन्स। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अग्रीव पर्सन की डेफिनेशन हमें कहाँ दी गई है, तो 2A में दी गई है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अग्रीव पर्सन से क्या मतलब होता है। ए हु इज इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद रिस्पोंडेंट, मतलब कोई जो रिस्पोंडेंट के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहता है। बी हु एलीज टू हैव बीन सब्जेक्ट टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वॉयलेंस बाय द रिस्पोंडेंट, मतलब जो रिस्पोंडेंट के द्वारा किसी भी एक्ट से डोमेस्टिक वॉयलेंस के किसी भी एक्ट से सफ़र कर रहा है, या सी बोथ ए एंड बी दोनों, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, जो रेस्पोंडेंट के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा है और जिसके साथ डोमेस्टिक वॉयलेंस हो रहा है, किसके द्वारा? रेस्पोंडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर दिस एक्ट चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ। इस एक्ट में जो चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है, वहाँ हमें चाइल्ड से क्या मतलब बताया है कि मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ। ए 18 ईयर्स, बी 21 ईयर्स, सी 16 ईयर्स, डी 15 ईयर्स। तो इसका आंसर है 18 ईयर्स, ए 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड अंडर दिस एक्ट इज गिवन अंडर। इस एक्ट में जो चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है वो हमें कहाँ दी गई है? ए सेक्शन 2B में, बी सेक्शन 2C में, सी सेक्शन 2A में, डी सेक्शन 2E में। तो इसका आंसर है सेक्शन 2B में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड इंक्लूड्स। इस एक्ट में जो चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है, पहला तो वो हमें 2B में दी गई है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चाइल्ड में क्या इंक्लूड होगा? ए अडॉप्टिव चाइल्ड, बी फॉस्टर चाइल्ड, सी स्टेप चाइल्ड, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। अडॉप्टिव चाइल्ड भी इसमें इंक्लूड होगा, फॉस्टर भी होगा, एंड स्टेप चाइल्ड भी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट हु मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन। जो सेक्शन 12 है इस एक्ट का, जो सेक्शन 12 है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट का, वहाँ एप्लीकेशन किसके द्वारा लगाई जाती है? ए अग्रीव पर्सन के द्वारा, बी प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा, सी
कोई भी अदर पर्सन के द्वारा अग्रीव पर्सन के बिहाफ पे, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वॉयलेंस मीन्स। इस एक्ट में, ये जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉयलेंस, यहाँ डोमेस्टिक वॉयलेंस से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? सेक्सुअल अब्यूज, बी वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, सी मोरल अब्यूज, डी ट्रेडिशनल अब्यूज। तो क्या मतलब हुआ, बोथ ए एंड बी, बोथ सी एंड डी, या ओनली बी, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चैप्टर्स एंड सेक्शन गिवन अंडर दिस एक्ट? ए 9 चैप्टर एंड 40 सेक्शंस, बी 5 चैप्टर्स एंड 37 सेक्शन, सी 8 चैप्टर एंड 37 सेक्शन, डी 9 चैप्टर एंड 37 सेक्शंस। तो इसमें 5 चैप्टर्स हैं एंड 37 सेक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर दिस एक्ट डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु लिव टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड व्हेन दे आर इन। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो ये जो एक्ट है, यहाँ डोमेस्टिक रिलेशनशिप की हमें डेफिनेशन दी गई है, और उस डेफिनेशन में क्या बताया है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप होता क्या है। तो क्या होता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप? ऐसा रिलेशनशिप जहाँ दो लोग रहते हैं एक साथ शेयर्ड हाउस होल्ड में, और कैसे रहते हैं, या तो वो कंसैंग्युनिटी से रहें, या मैरिज से रहें, या मैरिज के नेचर से रहें, या जॉइंट फैमिली के मेंबर्स के जैसे रहें, या अडॉप्शन के ज़रिए रहें, या फिर इन सभी में से किसी के ज़रिए भी रहें, वो होता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जो दो लोग एक साथ शेयर हाउस होल्ड में रहते हैं, वो किस नाते से रहते हैं? तो वो कंसैंग्युनिटी से रहते हैं, बी मैरिज के नाते रहते हैं, सी जॉइंट फैमिली के मेंबर्स के जैसे रहते हैं, डी अडॉप्शन के ज़रिए रहते हैं, या ई इन सभी के ज़रिए रहते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इन सभी के नाते वो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्डर मेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट इज कॉल्ड। जो इस एक्ट में सेक्शन 18 दिया गया है, वहाँ कौन सा ऑर्डर पास किया जाता है? सेक्शन 18 में कौन सा ऑर्डर पास होता है? ए प्रोटेक्शन ऑर्डर, बी डिफेंस ऑर्डर, सी रेजिडेंस ऑर्डर, डी कस्टोडी ऑर्डर। तो ए प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्डर जो है, वो सेक्शन 18 में पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट गिवन अंडर। इस एक्ट में जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं, वो हमें कहाँ दी गई हैं? तो वो हमें सेक्शन 10 में दी गई हैं, बी सेक्शन 9 में दी गई हैं, सी सेक्शन 8 में दी गई हैं, या सेक्शन 11 में दी गई हैं। तो इसका आंसर है डी, सेक्शन 11 में दी गई हैं। अब सेक्शन 11 में जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ दी गई हैं, वो क्या ड्यूटीज़ हैं? कि जो पब्लिक जो अवेयरनेस है वो फैलाना, या जो पब्लिसिटी है वो करना। तो कैसे करना? मीडिया के थ्रू करना, एडवर्टीजमेंट के थ्रू करना, या ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं, और जो हमें सेक्शन 11 में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मजिस्ट्रेट शैल डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन रिलेटिंग टू डोमेस्टिक वॉयलेंस विद इन अ पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इस फर्स्ट हियरिंग। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो फर्स्ट हियरिंग से डेट लगती है डोमेस्टिक वॉयलेंस की एप्लीकेशन की, तो मजिस्ट्रेट को उसे कितने दिनों के अंतर्गत डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है? ए 60 डेज, बी 50 डेज, सी 120 डेज, डी 180 डेज। तो इसका आंसर है ए 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 29 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट, देयर शैल लाई एन अपील टू द सेशन कोर्ट। पहला तो हम ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन से कि सेक्शन 29 में क्या होता है, अपील होती है। सेक्शन 29 में क्या होता है, अपील होती है। कहाँ? सेशन कोर्ट के पास।
और वो कितने दिनों के अंतर्गत करनी पड़ेगी, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसमें कितने दिनों के अंतर्गत करनी पड़ेगी, ए 15 डेज, बी 30 डेज, सी 60 डेज या डी 90 डेज। तो इसका आंसर है 30 डेज के अंतर्गत अपील सेशन कोर्ट में करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 31 क्लॉज 1 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इस एक्ट में जो सेक्शन 31 का क्लॉज 1 है उसके अंतर्गत क्या नेचर बताया है ऑफेंसेस का, मतलब जो डीवी एक्ट है उसमें अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो किस नेचर का होगा। ए नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, बी नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, सी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल या डी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। तो इसका आंसर है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, मतलब संज्ञेय होगा और अजमानतीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एन अपील शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये जो एक्ट है वहाँ मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ लगेगी, तो ए सेशन कोर्ट के पास, बी हाई कोर्ट के वहाँ, सी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डी कोर्ट्स ऑफ CJM। तो इसका आंसर है सेशन कोर्ट। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अपील कौन से सेक्शन में लाई करती है, तो सेक्शन 29 में। कितने दिनों के अंतर्गत अपील करनी पड़ती है, 30 डेज के भीतर, और अपील कहाँ होगी, सेशन कोर्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटेक्शन ऑर्डर मेड बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल एनफोर्सेबल विद इन। जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जाएगा वो कहाँ एनफोर्सेबल होगा, उस स्टेट में, ए उस स्टेट में द लिमिट्स ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, या बी जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का लोकल ज्यूरिस्डिक्शन है वहाँ, या पूरे इंडिया में, या इनमें से कहीं नहीं। तो इसका आंसर है ऑल ओवर इंडिया। जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जाएगा वो ऑल ओवर इंडिया में एनफोर्सेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर फॉर टेकिंग एक्शन इन गुड फेथ। इस एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर कोई गुड फेथ में एक्शन करता है तो उसे सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से संरक्षण प्राप्त है। कहाँ प्राप्त है, ए सेक्शन 29 में, बी सेक्शन 36 में, सी सेक्शन 35 में या डी सेक्शन 30 में। तो उसको कहाँ प्रोटेक्शन प्राप्त है, इसका आंसर है सेक्शन 35। सेक्शन 35 में प्रोटेक्शन ऑफिसर को जो है प्रोटेक्शन प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डील्स विद द प्रोविजन ऑफ। जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वहाँ जो सेक्शन 12 है वो कौन किसका प्रोविजन से डील करता है, तो वो रेजिडेंस ऑर्डर से डील करता है, बी ज्यूरिस्डिक्शन से डील करता है, सी अपील से डील करता है या डी एप्लीकेशन ऑफ मजिस्ट्रेट से डील एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट से डील करता है। तो इसका आंसर है एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। सेक्शन 12 में मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगाई जाती है। कौन लगा सकता है, अग्रीव पर्सन लगा सकता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर लगा सकता है या अग्रीव पर्सन के बिहाफ पे कोई अदर पर्सन लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम्पावर्ड टू मेक रूल्स बाई नोटिफिकेशन अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में नोटिफिकेशन के द्वारा रूल कौन बना सकता है, ए स्टेट गवर्नमेंट, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, डी स्टेट लेजिस्लेचर, सी स्टेट लेजिस्लेचर या डी हाई कोर्ट। तो इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट में नोटिफिकेशन करके रूल्स बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर वॉट प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड ऑर्डर फॉर टेम्पोरेरी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अग्रीव पर्सन में बी पास्ड बाई द कोर्ट। इस एक्ट में जो अग्रीव पर्सन के जो बच्चों की जो टेम्परेरी कस्टडी का ऑर्डर पारित किया जाता है कोर्ट के द्वारा वो किस सेक्शन में पारित किया जाता है, किस सेक्शन में पास किया जाता है, ए सेक्शन 20 में, बी सेक्शन 18 में, सी सेक्शन 25 में या डी सेक्शन 21 में। तो इसका आंसर है सेक्शन 21। सेक्शन 21 में टेम्परेरी कस्टडी का ऑर्डर पास किया जाता है। किसकी टेम्परेरी कस्टडी, तो चिल्ड्रन की टेम्परेरी कस्टडी, किसके, अग्रीव पर्सन के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हैज़ प्रोटेक्शन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किन आर्टिकल्स में इस एक्ट को संरक्षण प्राप्त है। ए आर्टिकल 14 में, बी आर्टिकल 15 में, सी आर्टिकल 21 में, या इन सभी में। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जब हम इस एक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि इस एक्ट को आर्टिकल 14, 15 एंड 21 में संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डोमेस्टिक वायलेंस डिफाइंड। इस एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ डिफाइंड है। ए सेक्शन 2B में, बी सेक्शन 2D में, सी सेक्शन 2F में, या डी सेक्शन 3 में। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस डिफाइंड है वो इस एक्ट में सेक्शन 3 में डिफाइंड है, और सेक्शन 3 का जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 है, और चैप्टर 2 में केवल एक ही सेक्शन है, सेक्शन 3, जो डोमेस्टिक वायलेंस से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रेस्पोंडेंट अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में अगर कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया गया है और रेस्पोंडेंट के द्वारा उसका उल्लंघन कर दिया गया तो उसे मैक्सिमम कितनी पेनल्टी होगी। ए 2 ईयर्स की, बी 1 ईयर की, सी 5 ईयर की, या नन ऑफ द अबव। तो उसको मैक्सिमम 1 ईयर की पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द वर्ड अडल्ट मेल इन सेक्शन 2Q ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस क्वेश्चन में, ये केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है और उसका जो सेक्शन 2Q है वहाँ से अडल्ट मेल मेंबर को डिलीट किया गया, और अडल्ट मेल मेंबर को किस केस लॉ से डिलीट किया गया। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2Q है वहाँ रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन हमें दी गई है, और पहले इस केस लॉ के आने से पहले जो रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन हमें दी गई थी इस एक्ट में वहाँ अडल्ट मेल मेंबर लिखा हुआ था। लेकिन जब से ये जो डिसीज़न आया है वहाँ अडल्ट मेल मेंबर को हटा के एक वर्ड ऐड किया गया, पर्सन। अब वहाँ पर्सन एडेड है, 2Q की डेफिनेशन में अब आपको अडल्ट मेल मेंबर नहीं मिलेगा, अब आपको वहाँ पर्सन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है कि अब जो वो संशोधन हुआ है वो किस केस लॉ के बाद हुआ है। ए हीरालाल हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा, बी बिलास दत्ता वर्सेस सुरेश दत्ता, सी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, या डी विजय सिंह वर्सेस लक्ष्मी सिंह। तो इसका आंसर है ए हीरालाल हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा। ये 2016 का केस है, और 2016 के इस केस के बाद जो 2Q में रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन है वहाँ अमेंडमेंट करके एनी अडल्ट मेल मेंबर को डिलीट करके पर्सन वर्ड को ऐड कर दिया। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आगे के जो एक्ट हैं या उनसे रिलेटेड जो भी MCQs हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।